एवरीवन, मैं बहुत सिंपल सादी सी दिख रही हूँ। वही मैंने न्यू हेयर कलर करवाया, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। मैं थोड़ा सा शीशा खोल लेती हूँ ऐसे। यस, तो मैं जा रही हूँ घर, और अभी मेरा ट्रेन है 4:50 का। मैं लेट हूँ एज ऑलवेज, कैब वाले बहुत आगे हैं, तो हमें सब कुछ लेके जाना पड़ेगा उतनी दूर। और मैं प्रॉपर आ रही हूँ, रेडी हूँ। मैं सोलो ट्रिप करने वाली हूँ, फर्स्ट मेरा सोलो ट्रिप है, ट्रेन का फर्स्ट सोलो ट्रिप। पता नहीं क्या, दो बंदे साथ है इसके। नहीं, ये लोग नहीं जा रहे हैं, ये लोग बस वहाँ तक मुझे ड्रॉप करने जा रहे हैं। तो चलो चलो, क्या वेट कर रही है? चलो चलो चलो, चाबी ले ले, ये वाला लाइट बंद कर दो, वो वाला लाइट बंद कर दो। ये भी है हमारे साथ रोहित चौधरी और आयशा कश्यप। कश्यप कश्यप क्या कुछ नहीं, मैं भूल गया, कुछ नहीं। मेरा फोन तेरे पास है? दोनों तुम्हारे पास है मेरा फोन। हाँ ठीक है, चलो लेट्स गो। ये रहे मेरे दोनों खच्चर्स, दोनों खच्चर्स मेरे बैग ले जा रहे हैं। दोनों खच्चर्स मेरे बैग ले जा रहे हैं। ये इतनी पागल लड़की है ना, कैमरा कैब में ही छोड़ गई थी और मुझे जाना पड़ा। एक्सक्यूज मी, कैमरा लेकर आ रहा हूँ मैं इसका, और ट्रेन जाने वाली है 4 मिनट में। अरे यही है, सिर्फ 4 मिनट में ट्रेन निकल जाएगी। बाय बाय, मैं पहुंच गई हूँ ट्रेन, और अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ बैठी हूँ ऊपर की ओर। अभी मैं बेड लगा रही हूँ। शहर पहुंच चुकी हूँ, लेकिन लेट था ट्रेन, 4:26 में पहुंची हूँ। मुझे लेने आई थी बबीता शर्मा और प्रकाश कुमार और चंदन जी, आए थे मुझे लेने इतनी सुबह सुबह। और मेरा नींद तो थोड़ा थोड़ा पूरा हो गया और थोड़ा थोड़ा बाकी है। तो मैं सुबह सुबह आई हूँ 5 बजे गांधी मैदान, और यहाँ पे कोई नहीं है तो मुझे अच्छा फील हो रहा है। बट एक अंकल मिल गए मुझे स्कूटी से, कोई बात नहीं। बबीता शर्मा भी पतली होने के लिए वॉक करने आई हैं। तो मैं तो ठीक हूँ, फिट हूँ मैं बिल्कुल। इनकी तरह होना, इनकी तरह, इनकी तरह, तरह। हमारी बबीता शर्मा चला रही हैं गाड़ी और मुझे करवा रही हैं सुबह सुबह ड्राइव। तो देखते हैं ये कैसा ड्राइव करती हैं, आप भी इनको रेटिंग दीजिएगा। बहुत टाइम हो गया मुझे भी गाड़ी चलाए हुए, तो इस बार तुम ही चलाओगी। ठीक है, डोंट ठोक इट, ओके? कैन आई ठोक इट दैट टू गाइस? नो। जब मैं आई थी तब मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई थी क्योंकि एकदम रात हो चुका था और सब सो रहे थे। गुड मॉर्निंग गाइस, तो मैं आ गई हूँ घर पे और बहुत अच्छा नींद आया है। और बहुत दिन 12 बजे गुड मॉर्निंग हुआ है, बट कोई बात नहीं। हेलो आस्था, अभी थोड़ा सा दिवाली है तो मैं लाइट वाइट थोड़ा लगवा रही हूँ, अंकल आए लाइट लगेगा। अब जा रही हूँ खाना खाने, बहुत ज़ोर से भूख लगा है, बहुत ज़ोर से। रूम साफ कौन करेगा? रूम तो ऑलरेडी साफ मिला है मेरे को, एकदम क्लीन एंड नीट एंड क्लीन। ये देखो मैंने दिवाली डेकोरेशन में सबसे छोटा सा काम ये किया है, मतलब मैंने नहीं किया बट अच्छा लग रहा है। रुको मैं अच्छे से दिखाती हूँ आप लोगों को, अब दिखाओ। मस्त, और बाकी सबसे भी आप लोगों को मैं जल्दी मिलवाती हूँ। ओके, 100 पीस लाइट है, चलो निकालो, लाइट निकल रहा है दिवाली। मैं बहुत ताकतवर हूँ वैसे, इतना बड़ा बहुत भारी सोफा उठा लिया के लिए। यार वो बैठने में नहीं बनता है, लेकिन फोटो शूट करने के लिए अच्छा लगेगा। लास्ट टाइम में वैसा ही था, गोल सा।
ये तो बड़ा बड़ा वाला लाइट है ना, हाँ मस्त है। कलर जो दो दो तीन कलर का होता है ना, एक फोन मेरे को दे दो, आईफोन। ये लो आज तो मुझे गिफ्ट दे दो, मैं आईफोन दो। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं चाहती। तो कौन है? मैं ऋषिकेश वाला बना रहा हूं ब्लॉग, प्रैंक वाला। ना कितना बड़ा काम यार, हैंड कर दिया पूरा कैमरा, दिखा भी नहीं। अम्मी ला ये यार, 2% एनर्जी आया था स्ट्रिंग पिक के पहाड़ पे। यस मम्मी बोलिए, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। चलो अभी दिवाली का सफाई कर लो आपको। हेलो या मना स्टार्ट कर लो कपड़ा। कुछ नहीं कुछ नहीं, आप अब नया चेहरा देख रहे हैं। कौन है ये बताइए? ग्यास था, मेरा भाई है। मेरा भाई है या मेरे, मैं इसकी बहन हूं। हेलो अंकल, हाय कीजिए। हाय, अभी हाय कीजिए। इस वीडियो में आएगा बीटीएस, देख लो बहुत हंसी आएगा, कभी दिखाया नहीं है। रेडी हो? वन कैसा मेकअप करिए, कुछ आइडिया नहीं समझ में आ रहा इसका। कैसा मेकअप, कैसा कैसी लग रही हूँ मैं? लाल परी सी लग रही हूँ, बोलो ना आस्था। डार्क कैसे बनते हैं मेकअप ट्यूटोरियल? अभी बज रहा होगा 8 और देखो लास्ट कब खत्म होता है। कौन है कहा? अभी बना रही हूँ, पकड़ो। क्यों नहीं आ सकती? पहले मेरा दिखाओ। तो आज मैं देने वाली हूँ सबको गिफ्ट। चल यार मेरे को पहले ज्यादा इंतजार है। मेरे को पहले यार, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, 10 दिन से। आस्था के जा रहे हैं, आस्था के लिए मायने तुम आओ पहले। कहाँ पे आओ? प्लेट दे रही जो बोले ना तुम खाने के लिए मिल रहा है, प्लेट चिकन लेके आई हूँ। ये मायरा का प्लेट, मायरा के लिए। ये लो मायरा, कैसा लग रहा है? मस्त है, बहुत लग रहा है। थैंक यू। सुंदर कलर है आंटी जी, इसका आपने बोला था ना? सबसे ज्यादा स्ट्रॉली मम्मी का ही कपड़ा था। मम्मी से ज्यादा प्यार करते हैं इसीलिए मम्मी के ज्यादा ले। गाइस मेरे को ये अच्छा हो रहा है, ये सब रुको आप आस्था जी का नाम लिख देते। ये मेरे लिए था, कलर लिए मैं भाई, ये पढ़ाई के कलर लिए। आप उस टाइम पिंक बोलते तो ले लेते हैं। ये हो गया, अब दूसरा ट्रॉली खड़े जिसमें हम लोग दोनों का ही बस सामान है। ये प्लेट तुम्हारे लिए। ये कैसा लग रहा है? बहुत क्यूट प्लेट, जो कि दिया है मेरी बहन ने। हाँ। I am Aisha Kashyap 200 में। ये है डुगू का ब्लू, सही में छठ भाई की। ये आपका शॉल, एक बार और ली वीडियो बनानी है। ठंडा लग रहा है, खा लो खा लो। ये क्या कर रहा है सर? दादी के दिमाग देखिए ना, ये छठ आ रहा है, जो कि आस्था को इतना ज्यादा पसंद आएगा, इतना ज्यादा नहीं आया तो देखो तुम्हारे लिए। यही वाला बोल रहे थे कि बहुत सुंदर है ये, देखिए कितना खूबसूरत है। तो ये था
दिवाली गिफ्ट सरप्राइज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए वेट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।